सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे तो बॉलीवुड में हमेशा से खूबसूरत अभिनेत्रियों का जलवा रहा है, लेकिन 80 के दशक में बॉलीवुड में कई सारी खूबसूरत अभिनेत्रियाँ अपने अभिनय के साथ साथ अपनी खूबसूरती की वजह से पॉपुलैरिटी हासिल कर कामयाब रहीं। उसमें से एक थी अभिनेत्री टीना मुनीम, जो अपने समय की सुपरस्टार हुआ करती थी। देव आनंद और राजेश खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ अभिनय कर चुकी थी, लेकिन आज वो एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अंबानी खानदान की बहू हैं। दरअसल इनकी शादी धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी के साथ हुई थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दोनों की शादी में बहुत बड़ी अड़चनें आई थी। अंबानी परिवार नहीं चाहता था कि कोई अभिनेत्री मेरे घर की बहू बने। दोनों एक बार मिले और पहली नज़र में प्यार हुआ, लेकिन घरेलू समस्याओं के कारण बिछड़ना पड़ा। फिर एक ऐसा भूकंप आया जिसने दोबारा इनको मिलने पर मजबूर कर दिया और शादी भी हो गई। तो आइए जानते हैं कि टीना मुनीम कैसे बनी टीना अंबानी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल टीना मुनीम और अनिल अंबानी की मुलाकात साल 1986 में एक शादी समारोह में हुई थी। अनिल पहली ही मुलाकात में इनको अपना दिल दे बैठे थे। उस शादी में अनिल की नज़र टीना पर इसलिए पड़ी क्योंकि वो अकेली एक ऐसी लेडी थी जो पूरे शादी समारोह में अकेले काली साड़ी पहन रखी थी। उस समय टीना बॉलीवुड की सुपरस्टार हुआ करती थी और अनिल से मुलाकात के समय उन्हें रिलायंस ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद दूसरी बार दोनों की मुलाकात फिलाडेल्फिया में हुई थी। अनिल अपने किसी काम से तो टीना किसी फंक्शन के लिए गई हुई थी। एक इंटरव्यू में अनिल ने बताया कि टीना ने उस मुलाकात में मुझे इग्नोर कर दिया था। उस दिन शायद 2-3 डेट पर और जाना था। टीना अनिल को नहीं जानती थी, तो किसी ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि अनिल आपकी तारीफ करते हैं। इस पर टीना ने अनिल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अनिल टीना को बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार हो गया। बट दिलचस्प बात यह है कि दोनों में प्यार तो हो गया, लेकिन अनिल के घर वाले इनकी शादी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि कोई फिल्म अभिनेत्री इनके परिवार की बहू ना बने, इस वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। इसके बाद टीना आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई और वहीं पर पढ़ाई करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि मिलाने वालों की सहायता भगवान भी करते हैं। साल 1989 में अमेरिका में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था। उस दौरान टीना का ख्याल खबर लेने के लिए अनिल अंबानी ने फ़ोन किया और फिर से दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। इनका प्यार परवान चढ़ा और दुनिया की फिक्र छोड़ते हुए साल 1991 में दोनों ने विवाह कर लिया। इनके दो बेटे जय अनमोल और जय अंशुल हैं। अब इनके फिल्मी करियर और लाइफ के बारे में बात करें तो टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई महाराष्ट्र में एक गुजराती जैन फैमिली में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई 1975 में मुंबई के खार में एमएम पीपल्स ऑन स्कूल से हाई स्कूल और फिर स्नातक किया। उसी साल इन्होंने मिस फेमना टीन प्रिंसेस का खिताब अपने नाम किया और फिर अरूबा स्पेन में मिस टीएनएच इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का अवार्ड जीता था। उसी शो में अभिनेता और निर्देशक देव आनंद भी मौजूद थे। टीना को पहली बार देखा और अपनी अपकमिंग फिल्म देश परदेश में अभिनय करने का मौका दिया, जिसके बाद इन्होंने 13 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेत्री के तौर पर काम करती रहीं। टीना ने बाद में जय हिंद कॉलेज से अभिनय की डिग्री हासिल किया। 1970 के दशक से इन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। टीना का असली नाम निवृत्ति मुनीम है। टीना अपने एक भाई और 9 बहनों में सबसे छोटी हैं। टीना की बड़ी बहन भावना मॉडलिंग करती थी, इसलिए टीना भी मॉडलिंग करना चाहती थी। इनकी मुख्य फिल्में लूट मार, मन पसंद, रॉकी,
सौतन और कर्ज जैसी हिट फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। दोस्तों, आपने टीना अंबानी की कौन कौन सी फिल्मों को देखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।